पहले तो नशरी ठाक हूँ और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। आज मेरी सिस्टर एडमिट हुई है और कल हो सकता है उनका को ऑपरेट करें, और इसीलिए अभी टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं। टेस्ट वगैरह सही हो तो फिर हो सकता है कल ऑपरेट कर दें। उनके हाथ में भी चोट लगी थी और हड्डी टूटी है ना उनकी कलाई की, तो मैं सुबह से हम लोग आए हुए हैं, बल्कि मेरा बेसिक सुबह से ही आए हुए हैं कि जल्दी से हमारे काम हो जाए। और अभी भी अंदर गई हुई है, इको करवाना है PCR, और इको हो रहा है। बाकी टेस्ट खून के टेस्ट वगैरह सब हो चुके हैं और रिपोर्ट देखे क्या आती है उसकी, फिर उसी हिसाब से ही कल ऑपरेट करेंगे अगर जो मुनासिब समझेंगे डॉक्टर। बाकी अभी मेरी 2-3 दिन से बहुत मसूसियात चल रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है कराची में, और देखते हैं आगे अब क्या होता है। मेरी सिस्टर अंदर गई हुई तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, और फिर अभी उनके हाथ में काफ़ी तकलीफ है। चलिए फिर, और बाकी वीडियो फिर मैं आपकी बाद में बनाऊँगी, और बाकी वीडियो बाद में अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ और बोलने के लिए है भी नहीं। और मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी कोई ख़ास वो नहीं है, बस आउटडोर ही आजकल वीडियो बन रही है मेरी। और ये जो है 4G फाउंडेशन हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ के माशाल्लाह, और चले देखते हैं क्या होता है। बस आप लोग सब दुआ करिएगा मेरी सिस्टर के ऑपरेशन कामयाब हो जाए, तरीके उनको कोई तकलीफ ज़्यादा ना हो, और खैर ऑपरेशन तो कामयाब होगा माशाल्लाह से, लेकिन बस उनको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। और अभी हम लोगों ने सुबह का नाश्ता करके निकल गए थे दोपहर में, तो कि हमने बस सैंडविच वगैरह खा लिए थे, और अभी चाय पीने का मूड है, हो सकता है अभी चाय पीने से सिस्टर अंदर से आएंगी तो हम कैंटीन से जाकर चाय पियेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ। ठीक है, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आजकल मैं बहुत टेंशन में परेशानी में हूँ, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी सिस्टर के हाथ की कलाई की हड्डी टूट गई थी, और आज उनकी सर्जरी है, फ्राइडे है आज, उनकी वेडनेसडे को होनी थी, लेकिन बस वो कुछ पूरा कंप्लीट सब कुछ हो गया था। उनका थिएटर भी चली गई थी, लेकिन वहाँ उनको थोड़ा सा लग चुका हो गया था, तो उसकी वजह से वो वापस आ गई थी, और फिर उन्होंने फ्राइडे की डेट दे दी थी। और अब मेरी सिस्टर चली गई है थिएटर में, बस आप लोग दुआ करिएगा उनके लिए। ठीक है, बस इन्हीं टेंशनों में अच्छी भी हूँ, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, हर फैसिलिटीज़ मिली हुई है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, और AC रूम भी मिला हुआ है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि 4G फाउंडेशन है, और बहुत कोऑपरेट करते हैं यहाँ पे सब माशाल्लाह से। और आज जितने भी पेशेंट हैं वो भी सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं बहुत अच्छे, हम भी कोऑपरेट करते हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। बस जाहिर है सब अपने, कोई अपना दुख सुनाता है, हम भी अपना दुख सुनाते हैं, वो भी अपना दुख सुनाते हैं, और इसकी वजह से बस टाइम भी पास हो जाता है अपना। और हॉस्पिटल में रुकना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, घर का करना होता है। मेरे हस्बैंड भी बेचारे घर में अकेले हैं अभी, और ज़ाहिर है मैं ही खाना बनाना सब कुछ करती हूँ, तो वो आजकल उनको परेशानी हो रही है। मैंने उनसे कहा था आज आ जाइए, तो हो सकता आएंगे वो। और चलिए बस आप लोग दुआ करिएगा। ठीक है,
मेरी सिस्टर के लिए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आप लोगों को जब ऑपरेशन हो जाएगा तो आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सब लोग के? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। कल तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बीमार हो गई थी मैं भी। और ये मेरी सिस्टर है, इनका हाथ का ऑपरेशन हो चुका है, ये वार्ड में शिफ्ट हो चुकी हैं। और देखें कब छुट्टी मिलती है इनको। आईसीयू में रखा हुआ था अभी इनको, ऑपरेशन के बाद आईसीयू में एक दिन रखा था, आज जो है वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और अभी देखें कल वो छुट्टी कब होती है कुछ पता नहीं। और इसी चक्कर में मैं भी बीमार हो गई थी, मुझे भी कल तक मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था। तो मेरी सिस्टर ने कहा आप घर चले जाएं, क्योंकि आईसीयू में तो जाने देते नहीं इन्हें ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैं रात में घर चली गई थी। और फिर आजकल बुखार भी बहुत चल रहा है ना, तो वायरल फैला हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप घर चले जाएं। मैं घर चली गई थी, फिर सुबह में हस्बैंड के साथ 8 बजे तक पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे घर से इनका हॉस्पिटल करीब है ना, तो इसलिए देखिए ये वार्ड है। और ये सब हमारे पास भी मिलने के लिए आ रहे हैं सब। और अभी मेरी भांजी आई हुई थी, मेरे भाई लोग होके चले गए हैं, और बाकी आई सब जिनको पता चल रहा है वो फ़ोन पे फ़ोन सब करके मालूम कर रहे हैं तबीयत इनकी। और अब मिलने भी आ रहे हैं, बाकी चले और बस आप लोग दुआ करिएगा जल्द से जल्द ये इनकी पट्टी खुल जाए और ये इनके हाथ ठीक हो जाए, ठीक है। और देखिए छुट्टी पता नहीं कब होती है, कल तो संडे है और आज तो खैर डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं था। मैं चाह रही थी कि छुट्टी हो जाती तो घर कल घर चले जाते, लेकिन अभी छुट्टी नहीं दी है, अब मंडे तक के लिए देखते हैं, क्योंकि दर्द भी है ना, इसलिए कुछ डॉक्टर ने बोला नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। पूरे हफ्ते में बहुत बिजी थी और आज मैं थोड़ी फुर्सत हुई है, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी वो एक हफ्ते से एडमिट थी हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके हाथ का ऑपरेशन हुआ था। वो मैं आपको पूरी वीडियोस में आपको पता चलता रहेगा। और आज हमारी छुट्टी हुई है, डीसी हुई है, तो अब हमने सोचा यहाँ से कुछ खा पी के घर जाए। और क्योंकि घर में तो कुछ पका हुआ नहीं होगा, इसलिए हमने कैंटीन में बैठ के खा पी के जा रहे हैं। और हम ये मेरी सही से मेरी सिस्टर है और हम अपनी बिरयानी खा रहे हैं। देखे हम बिरयानी खा रहे हैं और ख़त्म हो चुकी है बिरयानी हमारी। अब हम यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बाकी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगी बाद में। अभी मैं यहाँ की जो अभी यहाँ से निकली हूँ, तो मैंने सोचा ये भी बना लूँ, यहाँ की वीडियो भी बना लूँ, ठीक है। फिर घर जाके और अपनी वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक।